हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है बैडकॉम ग्रुप के लिए। हम लोग रोज़ राह देख रहे हैं कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए बैडकॉम ग्रुप की तरह के लिए और शेयर ऊपर चला जाए, पर हो रहा है पूरा उल्टा। एक के बाद एक बैड न्यूज़ ही आती जा रही है। अब एक नई बैड न्यूज़ आ गई है, आइए जानते क्या आई है। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, अभी तक ब्राइटकॉम ग्रुप में NSE पर 19 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, BSE पर 7 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 26 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और पेंडिंग ऑर्डर अभी भी दोनों मिलाकर 18 करोड़ की सेलिंग ऑर्डर लगी हुई है। और अभी ये पैनिक बढ़ाने वाली और एक न्यूज़ आ गई है। आप तो जानते ही है कि सेबी ने इंट्रीम ऑर्डर पास की, काफ़ी आरोप लगाए हैं। उसके बाद अभी ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि ईडी ने रेड डाली है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड डाली है ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑफिस में, घर पे, और जो उनके ऑडिटर थे मुरली, उनके घर पे, उनके भी ऑफिस घर पे रेड डाली गई है। न्यूज़ यह है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी हैदराबाद और वेडनसडे कंडक्टेड अ सर्च ऑन द ऑफिस एंड रेसिडेंसेज ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड्स प्रोमोटर्स एंड ऑडिटर्स। द सर्च यील्डेड 3 करोड़ कैश फ्रॉम ऑडिटर पी मुरली मोहन राव्स हाउस। 3 करोड़ रुपए कैश मिली है, जो ऑडिटर है उनके पी मुरली मोहन, उनके घर से 3 करोड़ कैश मिली है। ये बहुत ही निराशाजनक बात है, मतलब और निगेटिविटी फैलेगी कि इसमें। और अभी ईडी भी इनके पीछे लग गई है, पहले तो सेबी लगी थी, अब ईडी भी लग गई है ब्राइटकॉम ग्रुप के पीछे। अब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सीज होंगे, उस पर इंक्वायरी होगी, और जिसके कारण और भी पैनिक का माहौल मार्केट में फैल सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। और उसमें ईडी के सोर्सेस ने बताया है कि इसके जो सुरेश कुमार जी रेड्डी थे वो घर पर नहीं थे, ऑफिस में भी नहीं थे, और उनको ईडी ढूंढ रही है कि वो कहाँ गए हैं। उनके लिए भी ढूंढाढूंढ चल रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि सुरेश कुमार रेड्डी को ईडी अगर इंक्वायरी के लिए बुलाएगी तो वो भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और सुरेश कुमार रेड्डी अगर इंडिया से बाहर चले गए होंगे बाई चांस, तो बहुत बड़ा पैनिक मार्केट में फैलेगा। अब ये जानकारी नहीं मिली अभी तक, बट ईडी ने इतना ही कहा है, ईडी सोर्सेस सेड दैट की प्रमोटर एंड फाउंडर एम सुरेश कुमार रेड्डी वाज नॉट अवेलेबल एट हिज रेसिडेंस और ऑफिस एट द टाइम ऑफ सर्च। इतना ही स्टेटमेंट में कहा गया है। और ऑडिटर को भी हो सकता है इंक्वायरी के लिए ईडी के बुलाया जाए, तो ये काफ़ी बड़ा मसला हो गया है। देखते हैं क्या होता है, और भी डिटेल बताऊंगा, बट एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताना ज़रूरी था, काफ़ी निराशाजनक है। भगवान करे कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए कुछ तो भी, जिसके कारण ये गिरावट रुक जाए, नहीं तो ये प्रेशर इतना बढ़ते जाएगा कि कहाँ जाकर रुकेगा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, ये कहना मुश्किल है। तो सेबी के नोटिस के बाद में अब ये ईडी की रेड पड़ी है, ये भी काफ़ी निगेटिव बात है। तो इसके कारण पैनिक तो डेफिनेटली फैलेगा ही, और काफ़ी लोग एम ऑर्डर लगा लगा कर सेलिंग की कोशिश कर रहे हैं। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, जब तक सब बातें क्लियर होती नहीं है, एवरेज नहीं करना है, फ्रेश बाइंग करना नहीं है। काफ़ी लोगों को समझ में आता नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि चलो कम में मिल रहा है ले लेते। जब तक अभी फ्री फॉल रुकता नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, और भी कुछ अपडेट्स आएंगे तो आपको इन्फॉर्म करूँगा मैं। बाकी मर्ज़ी आपकी है, आपको एवरेज करना होगा तो या कुछ करना होगा तो, मेरा तो यही आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी एवरेजिंग या फ्रेश बाइंग की कोशिश ना की जाए जब तक सब बातें क्लियर नहीं होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।